वेलकम बैक टू यू माई YouTube चैनल गाइस। हम आ चुके हैं आज GC दाहोद के गवर्नमेंट हॉस्टल में। ये यहाँ पे फैकल्टी क्वार्टर्स वगैरह हैं। फिर इस साइड आप देख सकते हैं ये H1 है पुरानी हॉस्टल अपनी, और ये रही H2 जो अभी नई नई बनी हुई है। इसको 4 साल हो गए, काफ़ी कुछ इसमें अभी और बाकी है, बट वो हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। हम तो इसी हॉस्टल में रहते हैं और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवम, यहाँ के हॉस्टल बॉयस। हे गाइस, मैं हूँ आपका सीनियर, अगले साल मैं ही मिलूँगा आपको। तो यही मिलेंगे आपको, बाकी तो मैं यहाँ से चले जाऊँगा, कुछ दिन की बात है। और आगे का ये देखते हैं हॉस्टल में क्या क्या है, क्या देखते हैं। ये ग्राउंड है, हम यहाँ पे नवरात्रि में गरबा खेलते हैं, बाकी काफ़ी फंक्शन भी यहाँ पे किया गया है हमारा गणपति। हाँ, तो फिर ये देखिए, इन लोगों से भी मुलाकात होगी, अभी इनका सीजन चल रहा है, आपको मजा आएगा, देखेंगे। और आज के ब्लॉग में मैं वाइट ड्रेस में पहन के आ गया हूँ, क्योंकि उसको वाइट पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि पहन लेते हैं। वो कौन है वो मुझे भी कुछ पता नहीं, आइडिया नहीं है, बट आपको ये वीडियो में मजा चलेगा और मजा लेंगे। उधर पार्किंग में दिया गया है, जो कि वहाँ पे हमारी गाड़ी कभी खड़ी होती नहीं है, उसमें फैकल्टी की गाड़ी खड़ी होती है, रेड लाइट वाली भी गाड़ी है। आइए, ये हुई गेट से एंट्री हमारी। ये दिया गया है मेस का हॉल, यहाँ से मेस आएगा हमारा, ये ऊपर से रूम जाता है हमारे रूम के लिए। इधर सिक्योरिटी का है, इलेक्ट्रिक पावर रूम है। फिर इस साइड आप देख सकते हैं रेक्टर वार्डन ऑफिस है, इसमें से ही हमें कोई गेम की चीज़ें परचेस करनी होती तो हम यहाँ से ही करते हैं, इशू करते हैं। आपको ID कार्ड सिर्फ जमा करना होगा, बाकी सब आपको मिल जाएगा। और इंडोर गेम के एरिया भी दिए गए हैं यहाँ पे। हम टीटी ताला लॉक लगा हुआ है इस टाइम, हम कभी इसको खेलते हैं, टीटी खेलते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है? कैरम खेलते हैं, टीटी खेलते हैं, बस और दो ही चीज़ खेलते हैं। चेस वगैरह तो कई बार हम रूम में लेके चले जाते हैं। काफ़ी कुछ दिया जाता है हॉस्टल की तरफ से हमें, आपको इसी वीडियो में आगे चल के हम बता देंगे इसके हॉस्टल की फ़ीस कितनी है, क्या है, लोवेस्ट कॉस्ट है, खाने का है सुविधा या नहीं है, वो मान के ही चलिए, हम बताएंगे सब कुछ वीडियो में, वीडियो के एंड तक। ये एरिया, यहाँ से विंडो से आपको गांव का एरिया दिखेगा, काफ़ी अच्छे लोग रखते हैं पीछे, यहाँ के बच्चे छोटे छोटे जो हैं वो आपको बहुत इंटरटेन करेंगे। और आगे चलते हैं, ये पूरी साइड इस 6 रूम डिवाइड किया गया, इस साइड 6 रूम डिवाइड किया गया है, पर रूम 3 बेड्स हैं। और चलते हैं, ये आया शिवम का रूम जो हमारे साथ इस वीडियो में। रूम नंबर क्या है? रूम नंबर 124 गायब है यहाँ से रूम नंबर, इन्होंने लिस्ट गायब कर दिया, लग जाएगा कुछ दिनों बाद। तो आप 124 में शिवम से मिल सकते हैं आने वाले फ्यूचर में, आप अगर आए इस हॉस्टल में तो। और फिर ये रूम नंबर आया 116, ये मेरा रूम है, इसमें ये आपको सिक्योरिटी के लिए बस इतना छोटा सा ताला लगाना होगा, बस इतना छोटा सा, आपका घर संपत्ति सब बच जाएगा इतने छोटे से ताले से। बड़े वाला ताला तो सिक्योरिटी गार्ड लगाता है। और हमारे साथ एक नया मेंबर ज्वाइन होगा, रूम नंबर कौन सा? 117 117 ही है ना? हाँ, 116 के बाजू में 117 मिली आर्यन से, आपको भी ये नेक्स्ट ईयर मिल सकते हैं इसमें। आर्यन जी कुछ कहेंगे आप वीडियो में? इस साइड आ जाइए थोड़ा, इधर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, देखिए नवरात्रि सुनसान पड़ा है हॉस्टल, बाकी तो आगे आपने पंडित जी ही बताएंगे। अब ये रूम सबसे ज्यादा हमें क्लीन लगा हॉस्टल में, तो हम ये रूम नंबर 120 में जाएंगे और देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये देख सकते हैं रूम काफी बड़ा, इसमें बेड टेबल आना बाकी हुआ है, अलमारी है, एक अलमारी, दो अलमारी, तीन अलमारी, पर पर्सन के हिसाब से, पर स्टूडेंट के हिसाब से मिल जाता है। और आपको मिलेगी एक बालकनी, ये रही बालकनी, यहाँ पे आप बैठ के कुछ भी स्टडी वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात इस चीज़ की है कि यहाँ पे इस साइड का नेचर काफ़ी अच्छा है, हवा जो माहौल आता है काफ़ी अच्छा, व्यू भी देखने को मिलेगा। हम व्यू आपको दिखाएंगे टेरेस पे लेके जाके, ट्राई करेंगे हम सिक्योरिटी से लेके उसकी की मांगे, और फिर चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। चलते हैं, मेरे टाइम यहाँ की सेमेस्टर वाइज पर 2000 फीस थी हॉस्टल की, आप सेमेस्टर के हिसाब से यहाँ पे फी लिया जाएगा, सेमेस्टर के हिसाब से 2000 आता है। और फिर डिपॉजिट के लिए हमने 1000 पे किया था, शिवम ने 2000 पे किया था, तो आपका हो सकता है 3000 हो जाए, तो ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ इन्जॉय करना है हॉस्टल लाइफ, काफ़ी चीप फी है, तो उतना आपको नहीं, लोवेस्ट इतना रखा गया है, तो आप एफोर्ड कर सकते हैं। बाकी ये सेकेंड फ्लोर सेम ऐसे यहाँ पे भी डिवाइड किया गया, वही फॉर्मेट है, ये वाटर कूलर का यहाँ पे रखा गया है, नीचे वाले में था इसमें नहीं। ऊपर आ जाते हैं अपने, यहाँ से और अच्छा व्यू देखने को मिलेगा, यहाँ की सबसे अच्छी बात ये, आप यहाँ से सनसेट देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन दिखेगा आपको यहाँ का सनसेट। और आते हैं अपना देखते हैं, लॉक लगाया गया हुआ है टेरेस पे,
हमें सिक्योरिटी से की मांगनी पड़ेगी, जो कि सिक्योरिटी अभी थोड़ा कहीं बाहर गए। ये रहा हमारा आर ओ सिस्टम, काफ़ी अच्छा है। इसकी कैपेसिटी वगैरह तो हमने देखा नहीं कभी, मुझे लगता है काफ़ी हाई होगा। तो आपको वीडियो में इतना सब कुछ देख लिए, हम सिक्योरिटी से बात करके इसकी की लेकर आएंगे वीडियो में। और रही बात खाने का, तो यहाँ पे मेस में कोई खाने की सुविधाएं नहीं है, आपको बाहर से या टिफिन सर्विस लेना पड़ेगा। आप कहाँ से खाते हो शिवम भाई? मैं हर बार अलग अलग टिफिन सर्विस मंगाता हूँ, कभी किसी होटल से मंगा लेता हूँ, कभी लैपिनोज पिज़्ज़ा, यही सब चलता है हॉस्टल। ये भी यही स्विगी और जोमेटो वाले लोग हैं, हम सभी, हम, मेरा तो फर्स्ट टाइम पूरा स्विगी पे ही चला था, मैं मोस्ट ऑफ स्विगी ही करता था। उसके बाद लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह से मैंने 2 साल पूरे मिस कर दिए कॉलेज लाइफ के। और यहाँ से लॉक खोल दिया हमने सिक्योरिटी काका से चाबी ला के। आपको अगर कभी ये खोलना हो तो पहले परमिशन लेना पड़ेगा सिक्योरिटी काका से, जो मोस्ट ऑफ चांस है आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कई पापा की परियां, उनके पापा के सांड को उड़ा दिया गया है यहाँ से, फ़ोन कॉल पे बात करते करते उनसे। टेरेस का ये है नज़ारा, ये रहा सोलर वाटर कूलर, कूलर नहीं बोलते, हीटर बोलते हैं, सॉरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 24x7 आवर यहाँ पे गर्म पानी आता है, जो आपको बारिश वगैरह के बादल की वजह से नहीं कभी कभी मिलते हैं, बट काफ़ी अच्छी। आओ वो देख सकते हैं वहाँ पे बड़ी सी टैंक लगा है, वो टैंक हमारे आने के बाद बना हुआ है। आपको यहाँ पे वाटर टैंक भी काफ़ी दिखेंगे, अगर सिविल का सब्जेक्ट लेते हैं ये आपको सब्जेक्ट मिलेगा वाटर टैंक करके पढ़ने के लिए। और सबसे बढ़िया यहाँ का नज़ारा, यहाँ पे जो सनसेट होता है, ये व्यू देखने में सबसे ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। जाते जाते एक दो शॉर्ट बना के जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो नहीं बन पाता है, टाइम बहुत कुछ रहता है काम के लिए। तो लवर पॉइंट कहाँ पे है? मुझे टेकरी, ऐसा टेकरी आगे है, आपको लवर पॉइंट मिलेगा ऐसा शिवम का कहना है, क्योंकि ये मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा है, इसको सबको आइडिया है। और बाकी तो हमारी कॉलेज लाइफ सिंगल में बीत गई है, तो हमें कुछ नहीं मिला तो हमने वीडियो से प्यार कर लिया, वीडियो बनाना शुरू किए हैं। जितनी कोशिश होती है उतना गंदा वीडियो बनाने की कोशिश रहता है हमारा। ये गांव का पूरा आप देख सकते हैं नज़ारा, वो रहा हमारा एक H1 वाला हॉस्टल, वहाँ पे भी काफ़ी फैसिलिटीज़ दी गई है। आओ चलते हैं, जिसके लिए वाइट ड्रेस पहना है अभी वीडियो में मैं बता दूंगा, नहीं मतलब उसका नाम मेंशन नहीं किया जाएगा यहाँ पे, सिर्फ इतना मैं आप दिखा दूंगा मैं सच में वाइट पहना हूँ, ये बोलने वाली बात नहीं है। और देखते हैं बाकी, कमेंट आपका साथ देगा, कमेंट में उसका नाम पता हो तो लिख के दिखाओ। चलो देखो, इसे बोलते हैं प्यार का नशा। हमें वीडियो बनाते बनाते एक हॉस्टल में H1 के बच्चे ने प्यार का नशा करते हुए पकड़ा गया, आप देख सकते हैं कितना बिजी हुआ है फ़ोन में, देखो कॉल पे ही लगाया। और ये रहा H1 का ये रहा हॉस्टल व्यू, आप देख सकते हैं जो स्पेस प्रोवाइड किया गया सेंटर में, तब चारों तरफ से बीच में जगह है, वहाँ पे बैडमिंटन खेलने का कोर्ट बनाया गया है उस हॉस्टल में। सेम ऐसा ही है वहाँ पे, पर पर्सन आपको मिल जाएंगे 3 बेड टेबल, वहाँ पे टेबल और बेड भी है। और इस हॉस्टल में काफ़ी कुछ दिनों की बात है आ ही जाएगा, ऐसा आशा रखते हैं। बाकी ये रहा आप देख सकते हैं नज़ारा, सामने आपको डिप्लोमा की हॉस्टल दिख रही होगी, हम सेम 1 में आए थे तो उसे भूतिया बंगला बोला जाता था, धीरे धीरे हमें पता चल गया वहाँ पे कोई नहीं रहता। और ये हमारा लाइब्रेरी का थोड़ा थोड़ा सीन दिख रहा है, अगर कैंपस ब्लॉग देखना हो तो आप देख सकते हैं, लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और चलते हैं, बाकी तो सब बढ़िया ही है। ये महंगा वाले फ़ोन से हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आर्यन का दुआ हमारे पे बरस गया है, बाकी उसने अपना फ़ोन दिया है वीडियो बनाने के लिए, बोलते हैं अरे सस्ते नशे मत करा करो। इसलिए ये देख सकते हैं फैकल्टी क्वार्टर, ये जोशी सर का फैकल्टी क्वार्टर, प्रिंसिपल सर का, फिर यहाँ पे आए सभी फैकल्टी यहाँ पे रहते हैं, स्पेसिफिक नाम सबका मुझे याद नहीं है, बट काफ़ी फैकल्टी रहते हैं हमारे डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट के रहते हैं। और वाटर टैंक वगैरह वहाँ पे कलेक्टर का, वो भी एक गाड़ी खड़ी रहती है हमेशा। ये रहा आप देख सकते हैं ऊपर से नज़ारा, काफ़ी मुश्किलों के बाद हमें, ये देखिए जोशी सर आए, मुश्किलों के बाद यहाँ से की मिली है, और हम यहाँ से जितना जल्दी हो सके चल देते हैं, नहीं तो फिर सर को पता चलेगा ये बात। तो सर कुछ कहेंगे तो है नहीं, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं। शिवम ट्राइपॉड लेके देखो क्या ही, उस वो भी फ़ोन कॉल पे ही लगाया, उसका भी लाइफ बहुत अच्छा है, दिन रात एक ही काम करता है, वो अनलिमिटेड का मज़ा उठाता है, फ़ोन कॉल पे हमेशा बात होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका कुछ नहीं हो सकता, तो शिवम से इंस्पायर हो, काफ़ी कुछ हो जाएगा आपका।
बाकी तो इस वीडियो पे अब कैमरा हम रोटेट करके हम खुद को दिखा देते हैं हमारे साथ कौन कौन है। तो आ गया हूँ मैं आपके वाइट ड्रेस में, ये वीडियो में सिर्फ दिखाने के लिए हूँ, बाकी तो किसी वीडियो में आप मुझे नहीं पाओगे। और शिवम से भी मुलाकात कर लेते हैं, आर्यन से भी मुलाकात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो अभी अपना कैमरा स्टैंड पे लगा हुआ है, इसलिए आ जाओ फटाफट, क्योंकि सनसेट व्यू लेना है, यहाँ का सबसे अच्छा सनसेट व्यू है। फिर आप यहाँ पे मज़े कर सकते हैं ठंडी में, ठंडी भी एक नंबर ठंडी है यहाँ की, मस्त मज़ा आ जाएगा अगर आप सूरत वडोदरा अहमदाबाद जैसे एरिया में हो और यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत इन्जॉय मिलेगा। शिवम बोलो कुछ थोड़ा, बोलो यार कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लिए कुछ जो आएंगे आगे के फ्यूचर बच्चे। कंप्यूटर डिपार्टमेंट में आने के बाद शांति से अटेंडेंस ही भरना भाई, कुछ करना मत। आर्यन से मिलते हैं, आर्यन बताइए। जो बोल रहा है वो खुद अटेंडेंस नहीं भरता है। शिवम का कुछ ऐसा है सिचुएशन कि ये अनलिमिटेड कॉल का मजा उठाता है, हम में सबसे ज्यादा मैंने बात करते इसी बंदे को देखा है। आर्यन का तो मालूम नहीं, कई बार देखा है बट रूम में सोते हुए मिलता है, ज़्यादातर रूम में ही बात करता है, और मेरा तो कुछ बचा ही नहीं है वीडियो के सिवा अभी तक। तो चलो थैंक यू सो मच गाइस, और सनसेट व्यू दिखाई देंगे, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और लौंडे बन जाना। हाँ हॉस्टल में आओ तो लौंडे बन के आना, फिर उसके बाद डर के छुप के ऐसे नहीं रहना है अपने को, एकदम तड़कता भड़कता वीडियो कंटेंट वगैरह बनाते रहो, अपलोड करते रहो, और फिर कुछ बचा नहीं है बोलने को। और हमारे वार्डन सर से तो मुलाकात होगी नहीं आपको, क्योंकि वो थोड़ा आज है नहीं, संडे है, संडे का वो भी मज़ा ले रहे हैं, तो हम भी संडे का यहाँ पे मज़ा ही ले रहे हैं। थैंक यू सो मच। अब देख सकते हैं चांद भी यहाँ से दिखेगा और सूरज भी, सूरज दिख रहा है, हाँ देखिए दिख रहा है सूरज, आपको दोनों व्यू देखने को मिल सकता है एक ही टाइम पे। ये सब कैमरा का कमाल है, बाकी तो मेरे फ़ोन में तो आ ही नहीं रहा था, चांद कहाँ गया, गायब हो गया चांद, चांद कहाँ गया, दिख गया चांद, चांद दिखा लिया होगा, हाँ व्हाइट शर्ट में चांद दिखेगा, क्या बात कर रहे हो, व्हाइट शर्ट देख लिया होगा ऐसा है।